हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत सेफ होंगे और मज़े में होंगे। तो मैं आज करने जा रही हूँ अपने स्टील वाले नए बर्तनों का रिव्यू। तो मैंने किस ब्रांड का ख़रीदा है, क्या ख़रीदा है, वो मैं आज आपके साथ शेयर। वहाँ पे मैंने बटरफ्लाई का कुकवेयर सेट ख़रीदा है और ये 5 का सेट है जो कि आया है। तो यहाँ पे ये जो बटरफ्लाई का कुकवेयर सेट है उसमें है एक कढ़ाई, एक सॉस पैन और एक पैन है, 2 लिड हैं। तो ये 5 का सेट आया है। मेरे पास जो कुकवेयर थे स्टील के, वो बहुत ज़्यादा हैवी हैं, तो कहीं पे भी मुझे कैरी करना रहे तो मैं उसको कैरी नहीं कर सकती हूँ, इसलिए ये वाला सेट लिया है एक्चुअली। तो ये वाला सेट देखिए किस तरह का दिखता है। तो ये जो है इंडक्शन बेस्ड है और गैस कॉम्पैटिबल है, डिश वॉशर सेफ है और इसका जो ये है लिड, ये है स्मॉल वाला लिड और इसके साथ है ये है एक पैन। एक मिनट मैं इसको साइड कर देती हूँ। ये है एक पैन जिसके बेस में इस तरह का है दिया हुआ। तो ये ट्रिपल लेयर बेस है जैसा कि इसमें लिखा हुआ है और ये हीट, हम लोगों ने इसे इंडक्शन पर रख कर देखा है तो ये इंडक्शन कॉम्पैटिबल है, यानी इंडक्शन पर आराम से ये गर्म हो रहा था तो इसमें कुक कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास इस तरह का एक सॉस पैन है जिसपे आसानी से कुक करते हैं तो उसमें खाना जलता नहीं है। तो आई होप कि इसमें भी सेम वैसा ही होगा। और उसके साथ दिया है ये कढ़ाई बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है बट 2 लोगों का खाना इसमें आराम से बन सकता है, इतनी बड़ी है। और इसके भी बेस में सेम चीज़ है जो कि ट्रिपल लेयर है तो इसमें भी खाना जलने का चांस नहीं है, लेकिन आई थिंक साइड से थोड़ा सा बर्न होगा ऐसा मुझे लग रहा है, बट नीचे के साइड में तो बहुत अच्छे से कुक होना चाहिए क्योंकि ये जो बेस है काफ़ी थिक है तो अच्छे से गर्म होगा। और उसके साथ ही दिया है एक सॉस पैन में भी सेम बेस है, तो देखिए इस तरह का है सॉस पैन में भी। और ये सॉस पैन भी 2 लोगों के चाय के लिए अच्छी है तो इस तरह का है। और एक लेड दिया है जो कि सॉस पैन के साथ है और एक जो लेड दिया है जो कि कढ़ाई और पैन के साथ आ जाता है, तो ये दोनों के साथ काम करता है। देखिए कढ़ाई के साथ भी अच्छे से जा रहा है और यहाँ पे है ये पैन, तो ये पैन के साथ भी अच्छे से जा रहा है। तो इस तरह का ये 3 सेट है। तो इसका प्राइस लिखा हुआ है 3,700, तो ये डिस्काउंट के बाद थोड़ा कम में मिल जाता है तो आप ट्राई कर सकते हैं। वैसा ये अमेज़न पे भी मिलता है। आई होप आपको मेरा ये ऑनेस्ट रिव्यू पसंद आया होगा। कुकिंग करने के बाद मैं आपको ब्लॉग में बता दूंगी कि हाँ ये किस तरह का काम कर रहा है। तो फिलहाल के लिए इतना ही है जो मेरे नॉलेज में था और बहुत अच्छा लगा मुझे, इसलिए हमने ख़रीदा भी इसे। आई होप आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करके ही जाइएगा। थैंक यू, थैंक फॉर वॉचिंग।